सुजाता अपने बेटे की शादी की चिंता में एक मंदिर में जाती है और वहां जाके पंडित जी से अपनी चिंता बताती है। पंडित जी, मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए, फिर मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी रहती है। इतने में उषा मंदिर आती है। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर दुपट्टा डाले भगवान से प्रार्थना करती है। सुजाता उसे देखती ही रह जाती है। ये देखकर पंडित जी कहते हैं, अरे लीजिए, भगवान ने आपकी सुन ली, अब आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। यह लड़की इस मंदिर में रोज आती है। अच्छा, आज ही मैं इसके घर जाकर इसका हाथ मांग लेती हूँ। सुजाता पंडित जी के साथ उषा के घर जाती है और उषा और विशाल का रिश्ता तय हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है। सब कुछ बहुत मजे में चल रहा होता है। उषा की छवि एक आदर्श बहू के रूप में सबके सामने रहती है। सुबह जल्दी उठकर वो घर के सारे कामकाज निपटाकर मंदिर चली जाती और पूरा दिन साड़ी में एक बहुत अच्छी बहू की तरह बिताती। ये सब देखकर पड़ोस की औरतें सुजाता से जलने लगती हैं। ये सुजाता की किस्मत तो देखो, लगता है पिछले जन्म में इसने सोना दान किया होगा। एक हमारी किस्मत है, लगता है किसी को कोयला दिया होगा। हमारी बहुओं की जबान के आगे कैंची की धार भी कम पड़ती है। सुजाता भी दुनिया भर में उषा की तारीफ करती नहीं थकती और पहले से भी ज्यादा इतराकर चलने लगती है। एक रोज सुजाता अपनी पड़ोसन संगीता के घर जाती है और उसकी बहू को देखकर कहती है, ये तेरी बहू कैसी है, ना रूप की ना रंग की, फिर भी कोई काम नहीं करती। और एक मेरी बहू है जो इतनी सुंदर है कि सुंदर सा चांद भी उसके आगे फीका पड़ जाए, और काम तो हवा की तरह करती है। तेरे जैसी बहू तो भगवान दुश्मनों को भी ना दे, भाग्य फूटे है तेरे। अरे क्या करूं, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, कच्चा पक्का जो खिला दे वो खा लेती हूँ। सुजाता अपने घर चली जाती है, लेकिन सुजाता के कानों से संगीता को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है, सुंदर बहू आ गई तो बड़ा घमंड आ गया इसे, भगवान करे वो भाग जाए, तब जाके इसके मुंह पर कालिक लगेगी। एक रोज संगीता अपनी बहन के घर उसकी बेटी की शादी में जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उषा छोटे छोटे कपड़ों में उनके यहाँ बैचलर पार्टी कर रही होती है। ये देख कर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है, ये सुजाता की बहू तो बहुत सीधी साधी है, इतने छोटे कपड़े तो पहन ही नहीं सकती वो। लेकिन वही उषा अपनी मस्ती में बिल्कुल गुम थी और वो संगीता को देखती भी नहीं है। संगीता अपनी बहन से उषा के बारे में सब कुछ पूछ लेती है और उसे पता चल जाता है कि उषा जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वो बहुत ही रंगीन मिजाज की लड़की है। अच्छा, मतलब ये अपने भोले भाले रूप से सबको चकमा दे रही है। अब आएगा मजा जब सुजाता को इसके असली रूप के बारे में पता चलेगा, तब हम लेंगे सुजाता के मजे। उषा पूरी शादी में मॉडर्न लड़की की तरह घूमती है, सबकी नजरें उस पर ही रहती हैं। शादी के बाद उषा अपने घर चली जाती है और संगीता मन ही मन खुश होती रहती है। एक रोज राकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ सुजाता को झूठ बोलकर डिस्को ले जाता है और झूमते रहता है। दूसरी ओर उषा भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ किटी खेलने आती है और वो भी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में बिजी हो जाती है। अचानक जब उषा की नजर राकेश की नजर से टकराती है तो दोनों के तोते उड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से नजर चुराने लगते हैं और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करते। एक रोज सुजाता का अपनी पड़ोसन रेणुका से झगड़ा हो जाता है। इस सास बहू को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। रेणुका अपने दिमाग घुमाती रहती है और एक दिन उसकी नजर उषा पर पड़ती है जो की साड़ी में अपने घर से निकल कर ऑटो में बैठती है। जरा देखो तो ये इस समय कहाँ जा रही है। रेणुका उषा का पीछा करती है और देखती है कि उषा एक मॉल में जाकर छोटे कपड़ों में बाहर निकलती है और किसी की गाड़ी में बैठ जाती है।
आज लगता है कोई मसाला मिलेगा जिससे मैं इनकी जिंदगी में आग लगा दूंगी। रेणुका उषा का फिर से पीछा करती है और उसकी गाड़ी एक बार में जाके रुकती है। ये देखकर पड़ोसन हैरान हो जाती है और चुपके से उसका वीडियो बना लेती है और दबे पांव निकल जाती है और घर आकर सुजाता को वीडियो दिखा देती है। देख ले अपनी बहू की करतूते, देखने में ही सीधी लगती है, बस सती सावित्री बनी फिरती है सबके सामने, लेकिन ये इसका असली रूप है। गिरगिट के भी रंग इतने नहीं है जितने तेरे बहू के हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा नहीं हो सकता तो खुद ही अगले हफ्ते वहाँ चल मेरे साथ और उसे रंगे हाथ पकड़ लेना। अरे मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है, लेकिन तेरा मुंह बंद करवाने के लिए मैं तेरे साथ चलूंगी, ताकि दोबारा मेरी बहू के बारे में कोई बोलने से पहले 100 बार सोच ले। अगले हफ्ते सुजाता अपने पड़ोसन के साथ बाहर जाती है और वहाँ अपनी बहू को छोटे कपड़ों में शराब पीते देख सुजाता की आंखें फटी रह जाती हैं। मम्मी जी आप यहाँ? ये तेरा असली चेहरा है? मुझे झूठा कह रही थी ना, देख लिया ना सुजाता, अपनी बहू को इतना सर पर चढ़ाने का नतीजा। गुस्से में सुजाता उषा को एक तमाचा लगाती है। उषा सुजाता से माफी मांगती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, ये आजकल सभी लोग करते हैं। मुझे लगा अगर मैं सबसे छुपा कर करूंगी तो आपको दुख नहीं होगा और मेरे मन का भी पूरा हो जाएगा। वाह जी वाह, अब ये मोटे मोटे टेसुए बहाकर खुद को सही बताने का अच्छा तरीका है, आजकल का फैशन है। तो मेरी बेटी को कभी इन सब चीजों में देखा है क्या? बढ़ियाई। इतने में ही भीड़ में से नशे में धुत पड़ोसन की लड़की उनके सामने आ जाती है। तब सुजाता रेणुका से कहती है, जब खुद के घर शीशे के हो ना तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। रेणुका तुमने अपनी जलन से उषा की बदनामी के लिए मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मेरी तो फिर भी बहू ने ऐसा किया, लेकिन तुम क्या कहोगी? रेणुका तुम्हारी तो बेटी ने ही तुम्हारी नाक कटवा दी। उषा को मैं अपने रंग में ढाल भी लूंगी और उसके सभी रंग वो आज यहीं छोड़कर आएगी। पड़ोसन शर्मिंदा हो जाती है। सुजाता उषा को घर ले जाकर खूब समझाती है और बाद में उसे अपने रंग में ढाल लेती है।